नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालू और मेरे चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है लालू नैना ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि NPCI के द्वारा एक नया सर्विस का लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा अपडेट है। इसके माध्यम से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपना या अपने फैमिली में किसी का भी आधार प्लस DPT जो डायरेक्ट सरकारी फंड का पैसा होता है, वो जो आता है वो डायरेक्ट आपके खाता में आ जाए। इसको आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपने बैंक अकाउंट में कैसे लिंक कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका अकाउंट है तो कैसे आप इसको लिंक कर सकते हैं आधार प्लस DPT जो भी सरकारी फंड का पैसा हो, जैसे आपका गैस सब्सिडी हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे आपका और भी किसी प्रकार का सरकारी फंड का जो भी पैसा आता है वो इसी माध्यम से आता है। अगर आपके अकाउंट में DPT अगर लिंक नहीं होगा, आधार प्लस DPT लिंक नहीं होगा, तो ये पैसा नहीं आएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले से जैसे आपका कोई अकाउंट है, और जैसे कि समझ लीजिए पहले से सेंट्रल बैंक का अकाउंट है, और किसी कारण से आपका अकाउंट अगर दूसरे जगह खुल गया है, आपको पता भी नहीं है, ऐसा बहुत होता है। और ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग के साथ हो तो और भी दिक्कत है। तो ऐसा होता है कि जैसे आपका पहले अकाउंट सेंट्रल बैंक में, अचानक आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में किसी कारण बस खुल गया हो, या दिल्ली पंजाब कहीं भी खुल गया हो, आपको पता भी नहीं है। बहुत ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से बोल रहे हो, देखे हुए हैं। तो अचानक आपका जो सरकारी फंड का पैसा होता है वो उस अकाउंट में जाने लगता है, जो कि आपको वो उस पैसा को निकालने में बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आप सोचिए कि अगर आपका जैसे कि मेरा अकाउंट कटिहार में है, मेरा घर भी कटिहार में है, और मेरा अकाउंट सेंट्रल बैंक में, अचानक मेरा जो अकाउंट है कहीं पोस्ट ऑफिस में, कहीं दिल्ली में खुल गया है। कैसे खुल गया है वो अचानक, बहुत ऐसा हो जाता है, सो आपको पता भी नहीं रहता है। सो जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट हो या लड़की हो, उन लोग का अकाउंट जैसे सिलाई उलाई मशीन का काम सीखती होगी तो उसमें देती है, और दो तीन साल के बाद पता चलता है कि मेरा अकाउंट एक और भी खुला हुआ है। तो ऐसा भी बहुत केस हुआ है, क्योंकि हम खुद सेंट्रल बैंक से जुड़े हुए हैं, सेंट्रल बैंक से 15 साल से काम किए हुए हैं, और CSP भी चलाए हुए हैं। तो मेरे पास हज़ारों आदमी ऐसा आता था, इसी के लिए हम ये सब चीज़ बता रहे हैं। तो बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। किसी का तो दिल्ली में अकाउंट खुल गया है। अब सोचिए कि अब जो उसका जो भी सरकारी फंड का पैसा है, योगदान राशि है, वो डायरेक्ट वहाँ पर आ रहा है, और वो आधार लिंक प्लस DPT को वहाँ से हटाने के लिए अब दिल्ली कैसे जाए, बहुत परेशानी की बात है मिडिल क्लास के आदमी के लिए। तो अब जो है सरकार जो है NPCI के द्वारा एक नया सर्विस का लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल फ़ोन से अगर आपका आधार पहले से कहीं पे लिंक है, DPD लिंक है, इसको हटा भी सकते हैं, और आप हटा के और इसको आप नया भी किसी भी बैंक में लिंक कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आपका जैसे कि एक ही बैंक में दो अकाउंट है, और पहले से जिसमें आप आधार आपका प्लस DPD लिंक है, आप चाहते हैं कि उससे हटा के हम दूसरे अकाउंट में कर ले, तो ये भी कर सकते हैं। और अगर साफ भी आप चाहते हैं कि DPD आधार को हम वहाँ से हटा दें, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपका जैसे कि सेंट्रल बैंक से है, और आप चाहते हैं कि सेंट्रल बैंक से हटा के हम दूसरे बैंक में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में करना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ये सारा सर्विस इसी ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं, सॉरी ऐप नहीं है, इसी सर्विस के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो क्या है प्रोसेस, हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा सर्विस है, आप इसको देखिए। अगर आपका या आपके फैमिली में आस पड़ोस में किसी का भी ये प्रॉब्लम है तो उनको बताइए, ताकि इस माध्यम से उनका भी हेल्प हो सके, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मदद मिले और सभी का काम हो। हम बस यही इतना ही चाहते हैं। तो चलिए, क्या है प्रोसेस, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, लगेगा कि हम सही जानकारी दी है, तो जाते हुए मेरे चैनल को लाइक कमेंट भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, आपको गूगल में आना है, और गूगल में आपको लिखना है NPCI, और जो सबसे पहला वाला लिंक होगा यहाँ पे, इसके ऊपर में क्लिक कीजिए, तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। देखिए ये वाला पेज खुला, यहाँ से थोड़ा सा आपको नीचे ऐसे करना है, जैसे ऐसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ फर्स्ट में ही कस्टमर, और कस्टमर के आगे प्लस का भी चिन्ह है, तो आपको इस कस्टमर के ऊपर में एक बार क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे ही लिखा हुआ है भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस, आपको इसके ऊपर में एक बार क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे इसमें कि आप चेक कर लीजिए कि आपका जो है आधार कार्ड में
आधार कार्ड जो है किस बैंक में लिंक है, आधार प्लस और डीबीटी यानी डायरेक्ट सरकारी फंड का जो पैसा आता है वो कहाँ लिंक है, इसको आप चेक कर ले। ये ज़रूरी है चेक करना, इससे पता चल जाएगा कि आपका आधार प्लस डीबीटी किस बैंक में लिंक है, और अगर लिंक है तो किस बैंक में है, और अगर नहीं है तो ये भी पता चल जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा ये हम आपको बता दें, इसको चेक करने के लिए क्या करना है। सबसे फर्स्ट में ये देखिए लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, आपको इसके ऊपर में एक बार क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए तीसरा नंबर जो है गेट आधार मैप्ड स्टेटस जो है इसके ऊपर में एक बार क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आप अपना जिनका भी मतलब आप चेक करना चाहते हैं उनका आधार नंबर डालिएगा और इस कैप्चा को डालिएगा यहाँ पे, और चेक स्टेटस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप कैप्चा यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार कैप्चा गलत हो जाता है, समझ में नहीं आता है, तो कैप्चा को चेंज कर लिया कीजिएगा जितना बार आपको समझ में नहीं आए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आधार नंबर डालिएगा, कैप्चा को डालिएगा और चेक स्टेटस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है, देखिए ओटीपी को यहाँ पे डाल के और यहाँ सबमिट के ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ से आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो आपका आधार नंबर जो है वो शुरुआत में दिख रहा है, दूसरा में आपका जो मैपिंग का स्टेटस है वो दिख रहा है, देखिए मैपिंग का जो स्टेटस है वो यहाँ इनेबल दिख रहा है, प्लस जो है आपका डीपीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी आपका ट्रांसफ़र जो भी सरकार के द्वारा जो पैसा जो आपको मिलता है, आप सरकार के द्वारा जो भी यानी जैसे गैस का हो गया, जो भी सरकारी फंड का पैसा हो गया, या आपका ई श्रम कार्ड का हो गया या लेबर कार्ड का हो गया, चाहे आपका किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा अगर रिटर्न पैसा आ रहा है तो उसी को बोलते हैं डीबीटी। अगर वो भी मेरा इनेबल है यहाँ से दिख रहा है, लास्ट डेट जो अपडेट का है वो कब अपडेट किया गया है वो भी यहाँ से दिखेगा, और मैपिंग जो है आपका किया हुआ है कि नहीं आधार में वो भी दिख रहा है, और प्लस आपको यहाँ से अपना बैंक अकाउंट भी दिख रहा है कि आपका जो आधार है वो आधार प्लस डीबीटी किस बैंक से लिंक है, ये सारा कुछ यहाँ से हम देख ले तो कंफर्म हो गए हैं। अब हमको सोचना है कि इस बैंक में रखना है कि इस बैंक से हमको हटाना है कि हमको चेंज करना है, या इसी बैंक में है तो इस अकाउंट से हटा कर हमको दूसरे अकाउंट में करना है, ये सब चीज़ यहाँ से हम सोच लिए। अब जो है हमको फिर से गेट आधार मैप स्टेटस के ऊपर फिर से एक बार क्लिक कर देना है, और सबसे फर्स्ट वाला देखिए रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग सबसे फर्स्ट में ही देखिए यहाँ पे है, इसके ऊपर में क्लिक कीजिए, आप इस पेज पे आ जाइएगा, यहाँ से फिर से अपना आधार नंबर सबसे पहले डालिए। देखिए आधार नंबर डालने के बाद आपके पास यह नीचे में क्या ऑप्शन आ रहा है, रिक्वेस्ट फॉर आधार, आधार नंबर डाल दिए, नीचे में ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर आधार, उसके नीचे देखिए दो ऑप्शन है सीडिंग और यहाँ से डी सीडिंग, यानी कहने का मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट में अगर सीडिंग के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा तो आप आधार लिंक प्लस डीबीटी जो होता है वो लिंक कीजिएगा यहाँ से, और अगर आप नीचे वाले पे अगर कर देते हैं, अगर आपको आधार प्लस डीबीटी को लिंक को जो है किया हुआ उसको हटाना है तो आपको नीचे के ऊपर में क्लिक करना, तो सबसे पहले हम जोड़ना सिखाते हैं, देखिए जोड़ने के ऊपर यहाँ सेडिंग के ऊपर में क्लिक कर दिए हैं आधार लिंक करने के ऊपर में, और उसके बाद आपको यहाँ से अपना बैंक चुनना है, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का हम बताएंगे, तो यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा लिखेंगे बैंक, तो फर्स्ट में ही आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद यहाँ से देखिए आपका सीडिंग का टाइप है, आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से आप फ्रेश आधार कार्ड प्लस डीपीटी को लिंक करना चाहते हैं एकदम फ्रेश, पहले से नहीं किया हुआ है बिल्कुल न्यू करना चाहते हैं, तो फर्स्ट में जो है उसके ऊपर में क्लिक करेंगे, फ्रेश सीडिंग के ऊपर में क्लिक करेंगे, और दूसरा में अगर आपको आप चाहते हैं कि आपका जैसे कि एक बैंक में दो अगर अकाउंट है, आप चाहते हैं कि उस पहला अकाउंट से हटा के हमको दूसरे अकाउंट में करना है तो आपको यहाँ दूसरे नंबर पे क्लिक करना है, और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि पहले से आपका बैंक है, आपका सेंट्रल बैंक में है आधार प्लस डीबीटी लिंक, और आप चाहते हैं या आपका कहीं भी है वहाँ से चाहते हैं कि नहीं उस बैंक से ही हमको हटा देना है, हमको उस बैंक से कोई मतलब नहीं, हमको दूसरा बैंक में करना है, तो आपको तीसरे नंबर पे यहाँ क्लिक करना होगा,
और आपको यहाँ से नीचे आना है और जिस भी बैंक में आपको करना है उस बैंक अकाउंट का आपको नंबर देना होगा। जैसे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का बता रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम दिए हैं, उस बैंक का जो नाम देने के बाद उसी बैंक का बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर दो बार दीजिएगा और यहाँ बक्सा है इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ फिर एक बक्सा, यहाँ एक बक्सा आ गया, हाँ यहाँ एक बक्सा आ गया, इस कैप्चा को फिलअप कीजिएगा और यहाँ प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। इतना करने के बाद आपको एक आपका मोबाइल, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालिएगा, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, 24 से 48 घंटा आप वेट कीजिएगा, उसके बाद आप चेक कीजिएगा। आप चेक इसी ढंग से कीजिएगा, फर्स्ट में ही यहाँ पे आके चेक कीजिएगा, यहाँ पे आके जो हम बताए थे गेट आधार मैप स्टेटस के ऊपर में जैसे आप क्लिक करके चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका आधार प्लस डीपीटी दूसरे बैंक में लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है और आराम से यहाँ से लिंक हो जाएगा, क्योंकि अभी न्यू सर्विस है और ये अभी अच्छा काम कर रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस ढंग से आप कीजिए, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताने का कोशिश किए हैं, समझाने का कोशिश किए हैं, जहां तक हो सके आपको हम कोशिश किए हैं आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो समझने में। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कॉमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम जवाब देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लगता है कि हम आपको मेहनत करके आपको हम वीडियो समझाने का कोशिश किए हैं, बताए हैं, तो जाते हुए मेरे चैनल को लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि किसी का मदद भी हो सके। चलिए मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में, तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का पूरे तन मन से खुशी ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।